नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करेंगे सिंह राशि वालों के आने वाले 5 वर्ष कैसे रहेंगे। इन 5 वर्षों में कौन कौन सी घटनाएं कब घटित होगी, कौन से क्षेत्रों पर लाभ देखने को मिलेगा, क्या सावधानी रखना है, क्या उपाय करना है, विस्तार से जानेंगे। और ये जानकारी हर व्यक्ति को होनी चाहिए कि हमारा आने वाला समय कैसा रहने वाला है। अभी जो आपका समय चल रहा है, यदि ये समय आपका खराब है तो हो सकता है आने वाला समय आपका बहुत बढ़िया हो, या आने वाला समय आपका और ज्यादा खराब हो। तो उसके लिए आपको क्या तैयारी करना है, क्या प्लानिंग करना है, इस वीडियो के माध्यम से हम विस्तार से जानने वाले हैं। साथ ही साथ आपके हर क्षेत्र के बारे में, स्वास्थ्य, धन, शिक्षा, नौकरी, व्यापार, व्यवसाय, लव लाइफ, वैवाहिक जीवन, कंपटीशन, भाग्य, लाभ, हानि, विदेश यात्रा आदि, हम सभी क्षेत्रों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 2024 के बारे में। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, मई 2024 की कुंडली है और मई 2024 में ग्रहों की स्थिति जो है इस प्रकार से है। शनि आपके सप्तम भाव में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, राहु आपके अष्टम भाव में मीन राशि में, गुरु वृषभ राशि में आपके कर्म के क्षेत्र में, कैरियर के भाव में, वही केतु धन भाव में कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। और इन ग्रहों का, ये जो 4 ग्रह हैं, इन ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन में सबसे ज्यादा होता है। इन्हीं ग्रह से हम जान सकते हैं कि हमारा आने वाला जो समय है, जो लंबा समय है, वो कैसा रहने वाला है, क्योंकि इनका जो राशि परिवर्तन है लंबे समय के बाद होता है। और इनका जो डिपार्टमेंट है, बड़े बड़े डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे गुरु 1 वर्ष में राशि परिवर्तन करते हैं, और गुरु धन के मालिक है, विवाह के मालिक है, संतान के मालिक है, शिक्षा के मालिक है, ज्ञान के मालिक है, फाइनेंशियल स्थिति के मालिक है। तो बहुत सारे क्षेत्रों के मालिक गुरु है। गुरु की स्थिति यदि बढ़िया है तो आपका आने वाला जो वर्ष है, 1 वर्ष का समय, वो आपका बेहतरीन रहने वाला है। और यदि गुरु खराब है तो पूरा वर्ष आपका खराब रहेगा, आपको संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। इसी प्रकार शनि के भी बहुत सारे क्षेत्र हैं, राहु केतु के भी बहुत सारे क्षेत्र हैं, और सबसे ज्यादा जो परेशान करते हैं राहु केतु और शनि, ये सबसे ज्यादा जो है परेशान करने का काम करते हैं। यदि आपकी कुंडली में खराब है या गोचर के हिसाब से खराब स्थिति में गोचर कर रहे हैं, तो ये परेशानियां ज्यादा देने का काम करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गुरु के बारे में। गुरु यदि आपकी कुंडली के अनुसार से, आपकी राशि के अनुसार से यदि बात करें, तो गुरु आपके पंचम भाव के मालिक है और अष्टम भाव के मालिक है। पंचम भाव जो होता है, ये होता है शिक्षा का, संतान का, लव लाइफ का, फाइनेंशियल स्थिति का, और यहाँ के मालिक जो है गुरुदेव। गुरु 2024 में 1 मई 2024 को राशि परिवर्तन करेंगे और भाग्य भाव को छोड़ करके दशम भाव कैरियर के क्षेत्र में गोचर करेंगे। और कैरियर के क्षेत्र में वृषभ राशि में दशम भाव में गुरु 15 मई 2025 तक रहेंगे। तो 2025 तक, मई के महीने तक गुरु की स्थिति आपके लिए कैसी रहने वाली है? पंचम भाव के मालिक है तो विद्यार्थियों के लिए समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है, पढ़ाई लिखाई में मन भी लगेगा और कंपटीशन में सफलता भी मिलेगी। वही संतान के लिए यह समय बहुत ही शानदार रहने वाला है, गुरु का अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि गुरु केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। और दशम भाव में गुरु अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं, क्योंकि केंद्र भाव में गोचर कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। तो संतान की चिंताओं को दूर करने का काम करेंगे, फाइनेंशियल स्थिति को मजबूत करने का काम करेंगे। और यदि आप बैंक, फाइनेंस, इंश्योरेंस, मार्केटिंग, सेल्स, या फिर ट्रेडिंग मार्केट, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, या फिर आप कपड़े का व्यापार करते हैं, किराना स्टोर का काम करते हैं, या खाने पीने से जुड़े हुए कुछ काम करते हैं, या फिर जो है कंसल्टेंसी का काम करते हैं, प्रवक्ता है या एडवाइजर है, मैनेजमेंट का काम करते हैं, या टीचिंग का काम करते हैं, समाज सेवा का काम करते हैं, तो गुरु आपको सबसे अच्छे परिणाम देने का काम करने वाले हैं आने वाले वर्ष तक, 2025 तक, 15 मई 2025 तक। और यहाँ पर कैरियर के क्षेत्र में प्रमोशन देने का काम करते हैं, कैरियर को मजबूत करने का काम करते हैं। तो पंचम भाव के फल तो देंगे ही देंगे, अष्टम भाव के भी फल देंगे।
ससुराल पक्ष से संबंध को मजबूत बनाएंगे, हो सकता है ससुराल से कुछ लाभ आपको मिल जाए, या आपका जो फंसा हुआ पैसा है वो भी आपका रिकवर हो सकता है, या अचानक आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, तो ये संभावनाएं जो है देखने को मिल सकती है। वही यदि हम बात करें गुरु की दृष्टि के बारे में, जो कि गुरु की जो दृष्टि होती है वो सबसे ज्यादा शुभ मानी जाती है और प्रभावी होती है। गुरु की पंचम दृष्टि धन भाव में होने के कारण धन में बढ़ोतरी होगी, धन में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि होगी, कुटुंब परिवार का पूरा आपको सहयोग मिलेगा, तो ये आपके लिए बेहतर स्थिति रहने वाली है। वही सप्तम दृष्टि गुरु की चौथे भाव में पड़ेगी, तो आप भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन खरीद सकते हैं और भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का आपको सुख मिल सकता है, क्रय विक्रय में आपको लाभ मिल सकता है, तो ये स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगी। वही इनकी नवम दृष्टि छठे भाव में पड़ेगी और छठे भाव में नवम दृष्टि होने के कारण कंपटीशन में भी सफलता मिलेगी, प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए बहुत अच्छी स्थिति रहेगी, नौकरी के लिए बहुत अच्छे योग बनेंगे, नौकरी में प्रमोशन मिलेगा, मामा मौसी के संबंधों में मधुरता आएगी और रोग ऋण शत्रुओं को समाप्त करने का काम यहाँ पर गुरु करते हैं, कोर्ट कचहरी के मामले में भी कहीं ना कहीं लाभ देने का काम यहाँ पर गुरु करते हैं। तो गुरु की स्थिति ये समझ जाइए कि आपके लिए 15 मई 2025 तक अच्छी है। इसके बाद यदि हम बात करें 2024-2025 के बारे में, शनि की स्थिति कैसी रहेगी 2024-2025 में, यदि हम बात करें तो शनि जो है 29 मार्च 2025 तक आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे और ये भी राजयोग बना रहे हैं, पंच महापुरुष में से एक राजयोग बना रहे हैं, सस नामक राजयोग। यहां पर शनि का गोचर यदि हम बात करें तो एक बेहतर स्थिति को बनाने का काम करते हैं, क्योंकि शनि स्वयं के घर में है और स्वयं के घर को कोई भी ग्रह खराब नहीं करता है। वही ये छठे भाव के मालिक है तो कंपटीशन में भी सफलता देंगे, रोग ऋण और शत्रुओं को समाप्त करने का काम करेंगे। वही व्यापार की स्थिति को बढ़ाने का काम करेंगे, पार्टनरशिप आपकी बहुत अच्छी रहेगी, दाम्पत्य जीवन भी आपका बहुत अच्छा रहेगा, राजनीति में यदि आप है तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। यदि हम दैनिक आय के बारे में बात करें तो दिन प्रतिदिन दैनिक आय में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, तो शनि जो है आपको अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे और ये अच्छे परिणाम आपको अप्रैल के महीने से देखने को मिलेंगे, अप्रैल मई के महीने से जो है कुछ ना कुछ जो है बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि शनि जो है मार्च के महीने तक अस्त थे, अब उदय हो गए हैं, धीरे धीरे मजबूत की ओर है और ये आपको लाभ देने का काम करेंगे, क्योंकि राजनीति क्षेत्र में भी अच्छा प्रभाव जो है शनि का देखने को मिलता है। वही यदि आप ठेकेदारी का काम करते हैं, कारखाना या बड़ी कंपनी से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, स्वयं का कोई काम यदि कर रहे हैं या प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए काम कर रहे हैं तो एक बेहतर स्थिति आपके लिए रहने वाली है। कब तक? 29 मार्च 2025 तक। तो शनि की स्थिति भी आपके लिए बढ़िया है। राहु केतु के बारे में बात करें तो राहु अष्टम भाव में और केतु आपके धन भाव में। अष्टम भाव में राहु अचानक जो है बदलाव करने का काम करता है, अचानक जो है अच्छे परिणाम भी देने का काम करता है, अचानक जो है रंग से राजा बनाने का काम भी करता है, लेकिन यहां पर राहु जो है अचानक नुकसान भी करने का काम करता है अष्टम भाव में। तो शनि की स्थिति जब तक अच्छी है तो राहु आपको अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वही यदि हम बात करें कि राहु गुरु के घर में विराजमान है, मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और गुरु की स्थिति केंद्र भाव में है, अच्छी स्थिति में है, तो गुरु के भी फल देने का काम करेंगे, तो स्वाभाविक है कि राहु के अच्छे परिणाम आपको जरूर देखने को मिलेंगे। राहु जो है अचानक लाभ देने का काम यहाँ पर करता है, अचानक किस्मत को बदलने का काम करता है, अचानक जुआ लॉटरी शेयर मार्केट से लाभ देने का काम करता है या अचानक धन में बढ़ोतरी कर देता है, अचानक इतना काम बढ़ा देता है कि संभाल नहीं पाते, तो ये स्थिति यहाँ पर राहु कभी ना कभी बनाने का काम करेगा ही करेगा। हालांकि ये अस्थिर ग्रह है तो एक जैसा समय आपका नहीं रहेगा, कभी भी ये लाभ दे सकता है और अचानक कुछ समय के लिए लाभ दे सकता है। हालांकि अष्टम भाव में राहु अचानक लाभ तो देता है लेकिन भय भी बना देता है, परेशानियां भी उत्पन्न कर देता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। केतु के बारे में यदि बात करें तो केतु जो कि धन भाव में विराजमान है और धन भाव में केतु जो है कुटुंब परिवार में थोड़ा मनमुटाव की स्थिति पैदा करने का काम करते हैं, थोड़ा सा खर्चों को भी बढ़ाने का काम करते हैं, वाणी पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, कटु वाणी का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। हालांकि धन की स्थिति को बढ़ाने का काम यहाँ पर केतु भी करते हैं, तो मिले जुले केतु यहाँ पर फल देने का काम
करते हैं। शनि की दृष्टि के बारे में बात करें तो तीसरी दृष्टि शनि की आपके भाग्य भाव में पड़ेगी, तो थोड़ा रुक रुक करके काम बनेगी, ये स्थिति आपकी रह सकती है, लेकिन काम आपके पूरे बनने वाले हैं। वही थोड़ा सा आलस्यपन भी आ सकती है, आलस्य देखने को मिल सकती है, इसलिए यहां पर आपको आलसी नहीं बनना है, इस चीज का ध्यान रखना है, अपने काम पर फोकस करना है। वही इनकी दशम दृष्टि के बारे में बात करें तो दशम दृष्टि चौथे भाव में पड़ेगी, तो भूमि भवन प्रॉपर्टी में थोड़ा डिले हो सकता है क्रय विक्रय करने में, तो यहां पर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन काम आपके बनने वाले हैं। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो मार्च 2025 तक का जो समय है, तो शनि भी आपको लाभ देंगे, गुरु की स्थिति भी आपके लिए बढ़िया है, और राहु केतु भी कहीं ना कहीं आपको लाभ देने का काम करेंगे, तो ये समय आपके लिए बढ़िया है। अब आगे की समय की यदि हम बात करें, 2025 के आगे का समय जो है वो कैसा रहेगा, तो गुरु जो है 15 मई 2025 तक दशम भाव में रहेंगे, और उसके बाद जो है 15 मई 2025 को ही राशि परिवर्तन करके एकादश भाव में आ जाएंगे। एकादश भाव में सभी ग्रह अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। यदि देखा जाए तो नवम भाव, दशम भाव और एकादश भाव, ये तीन जो भाव है लगातार ये बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। यहां पर कोई भी ग्रह यदि आता है तो उस ग्रह में शुभता जरूर देखने को मिलेगी, वो शुभ परिणाम जरूर देता है। तो गुरु यहां पर जो है कारक है, इस कारण से जो है यहां पर अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। दशम भाव से भी अच्छे परिणाम जो है गुरु एकादश भाव में देते हैं, क्योंकि ये लक्ष्मी भाव है, आय का भाव है, लाभ का भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है, तो गुरु यहां पर इच्छा की पूर्ति करने का काम करेंगे। और गुरु आपके मालिक है पंचम भाव के और अष्टम भाव के, तो विद्यार्थियों के लिए समय बहुत ही शानदार रहेगा। विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं तो ये समय बढ़िया रहेगा, या आप जन्म स्थान के आसपास रहते हैं तो वहां पर भी जो है विद्यार्थियों के लिए समय बढ़िया रहने वाला है। लव लाइफ के लिए समय यदि हम बात करें तो 2023 से लेकर के 2025 तक की स्थिति आपके लिए बढ़िया है, उसके बाद यदि हम बात करें 2025 से लेकर के 2026 तक, तो यहां पर भी स्थिति आपके लिए बहुत ही खास रहेगी, कोई विशेष दिक्कत नहीं है, ना ही शिक्षा में दिक्कत है, ना लव लाइफ में दिक्कत है, और संतान के लिए बहुत अच्छा योग यहां पर बनेगा, क्योंकि गुरु की जो है सप्तम दृष्टि पूर्ण दृष्टि पंचम भाव में पड़ेगी, तो संतान का योग बनेगा। जिनको संतान नहीं है और जिनको संतान से संबंधित परेशानियां चल रही है, उन लोगों के लिए समय बहुत ही शानदार रहने वाला है, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शेयर मार्केट से अच्छा लाभ हो सकता है, या फिर जुआ लॉटरी सट्टा से भी अच्छा लाभ हो सकता है, अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है, आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत हो सकती है, तो गुरु यहां पर बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। वही अष्टम भाव के मालिक है तो अचानक धन बढ़ाने का काम करेंगे, समाज सेवा में आपका धन लग सकता है, आध्यात्म का क्षेत्र जो है वो आपके लिए बढ़िया रहेगा, गूढ़ ज्ञान आपको प्राप्त हो सकता है। तो ये समझ जाइए कि 2025 से 2026 तक गुरु की स्थिति बहुत ही शानदार है। इनकी दृष्टि के बारे में बात करें तो पांचवी दृष्टि इनके तीसरे भाव में बल पराक्रम में वृद्धि करने का काम और कम्युनिकेशन वाले क्षेत्र में अच्छा लाभ देने का काम करेंगे। धार्मिक यात्राएं भी हो सकती है, ग्रीन कार्ड के लिए, वीजा के लिए, पासपोर्ट के लिए यदि अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है, तो ये स्थिति आपके लिए बढ़िया है। वही पंचम भाव में दृष्टि होने के कारण शिक्षा, संतान, लॉ लाइफ और फाइनेंशियल स्थिति आपकी बढ़िया रहेगी। नवम दृष्टि सप्तम भाव में होने के कारण जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ उन लोगों के लिए समय बढ़िया रहेगा 2025 से लेकर के 2026 तक का, विवाह के लिए समय बढ़िया रहेगा, वैवाहिक जीवन के लिए समय बढ़िया रहेगा, व्यापार के लिए समय बढ़िया रहेगा, पार्टनरशिप के लिए समय बढ़िया रहेगा, दैनिक आय के लिए समय बढ़िया रहेगा, तो गुरु 2026 तक आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं शनि के बारे में। शनि जो कि 29 मार्च 2025 को राशि परिवर्तन करेंगे और अष्टम भाव में आ जाएंगे। शनि जो है 2025 में अष्टम भाव में जैसे ही आएंगे कि आपके ऊपर शनि की ढैया का प्रभाव प्रारंभ हो जाएगा, ढैया आपको लग जाएगी। तो यह ध्यान रखना है कि 29 मार्च 2025 से सिंह राशि वालों को ढैया लगने वाली है। अब ये जो ढैया रहेगी ये थोड़ा सा आपके लिए नुकसानदायक भी रह सकती है। हालांकि शनि जो है विपरीत परिवर्तन राजयोग भी बनाएंगे, लेकिन राजयोग 100% यहां पर कारगर नहीं होता है, क्योंकि शनि मारक होते हैं। इसलिए अब ढैया शनि की प्रारंभ होगी तो कार्यों में रुकावट पैदा यहां पर शनि करने का काम करेंगे। शनि जो है आपके कार्यों में डिले करने का काम करेंगे और धन भाव में इनकी दृष्टि होने के कारण धन खर्चे भी आपके बढ़ जाएंगे।
तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। वही कटु वाणी का प्रयोग करेंगे तो शत्रु आपके पैदा हो जाएंगे जो कि आपके कार्य क्षेत्र पर जो है बुरा प्रभाव डालने का काम करेंगे, कहीं ना कहीं आपके कार्य क्षेत्र को खराब करने का काम करेंगे। तो यहां पर आपको बड़ा सावधानी रखना है, किसी के साथ विवाद नहीं करना है, अनगल वाणी का प्रयोग नहीं करना है। ये समय आपके लिए सावधानी वाला रहेगा। ध्यान रखना है 29 मार्च 2025 से लेकर के 3 जून 2027 तक जो है आपके ऊपर शनि की ढैया रहेगी लगभग 2.5 वर्ष तक, और शनि जो है आपके कार्यों में बाधा उत्पन्न करने का काम करेंगे। अब शनि की दृष्टि के बारे में बात करें तो शनि की तीसरी दृष्टि आपके कैरियर के भाव में पड़ेगी। हालांकि गुरु आपको अच्छे परिणाम देंगे, गुरु जो है आपको बचाने का काम करेंगे, सहायता करने का काम करेंगे, लेकिन शनि की जो तीसरी दृष्टि आपके कैरियर के भाव में होने के कारण आपकी नौकरी छूट सकती है, आपका व्यापार जो है उतार चढ़ाव वाली स्थिति में रह सकता है, मानसिक टेंशन आपको ज्यादा हो सकता है, पैरों में दर्द आपको हो सकता है और किसी बात को लेकर के आप परेशान रह सकते हैं। तो ये स्थिति आपकी बन सकती है कैरियर के क्षेत्र में, कार्य के क्षेत्र में, तो शनि का उपाय करके चलना है, ये ध्यान रखना है। शनि की सप्तम दृष्टि धन भाव में होने के कारण धन खर्चे थोड़ा सा बढ़ जाएंगे, बैंक बैलेंस जो है वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगा, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है। इनकी दशम दृष्टि के बारे में बात करें तो सप्तम अष्टम नवम दशम पंचम भाव में रहेगी, तो फाइनेंशियल स्थिति में भी प्रॉब्लम देने का काम करेंगे, लव लाइफ में भी जो है प्रॉब्लम उत्पन्न करने का काम करेंगे। हालांकि यहां पर गुरु की दृष्टि होने के कारण विशेष कोई समस्या यहां पर नहीं रहेगी, जो भी समस्याएं शनि करेंगे उसको दूर करने का काम करेंगे, क्योंकि जहां गुरु देखते हैं और वहां पर शनि देखते हैं तो गुरु का जो बल बड़ा होता है, ज्यादा होता है, इसीलिए जो है दशम दृष्टि का प्रभाव भी शनि का बहुत ही कम होता है, तो शिक्षा संतान लव लाइफ और फाइनेंशियल स्थिति में कोई विशेष दिक्कत जो है नहीं रहेगी, लेकिन खर्चे आपके बढ़े रहेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कोई ढैया में परेशानियां उत्पन्न होती ही होती हैं, इस चीज का ध्यान रखना है। लेकिन शनि विपरीत परिवर्तन राजयोग में है तो ये समझ जाइए कि 50% जो है परेशानियां आपको देने का काम करेंगे, शत्रु भी बढ़ाने का काम करेंगे, रोग ऋण शत्रु ये थोड़ा सा आपके बढ़ सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कर्जा आपके ऊपर चढ़ सकता है तो ऋण लेते समय भी आपको सावधानी रखना है, सोच विचार करके ही आपको लेना है, ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। राहु केतु के बारे में भी हम बात करें तो राहु जो कि अष्टम भाव में 18 मई 2025 तक गोचर करेंगे, एक बेहतर स्थिति रहेगी, उसके बाद ये सप्तम भाव में आ जाएंगे। अब सप्तम भाव में जब आ जाएंगे तो यहां पर कुछ क्षेत्रों में लाभ और कुछ क्षेत्रों में नुकसान, जैसे आपके वैवाहिक जीवन को खराब करने का काम करेंगे, एक्स्ट्रा अफेयर आपका चालू हो सकता है, या फिर जो है व्यापार में भी उतार चढ़ाव वाली स्थिति बन सकती है, पार्टनरशिप में भी कहीं ना कहीं स्थिति डगमाडोल हो सकती है, कहीं ना कहीं विवाद हो सकता है, शक पैदा हो सकता है, आप भ्रमित हो सकते हैं। तो राहु यहां पर भ्रमित करने का काम करेगा, शक पैदा करने का काम करेगा, परेशानियां उत्पन्न करने का काम करेगा, पति पत्नी में टकराव करने का काम करेगा। तो यह आपको ध्यान रखना है, 18 मई 2025 के बाद राहु की स्थिति आपके लिए बढ़िया नहीं है और केतु की भी स्थिति आपके लिए बढ़िया नहीं, क्योंकि ये भी आपको कंफ्यूज करेंगे, भ्रमित करेंगे, बड़ी बड़ी आप प्लानिंग करेंगे लेकिन उस प्लानिंग में आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो यदि हम बात करें शनि राहु और केतु, ये तीनों ग्रह आपको परेशान करने का काम करेंगे लेकिन राहत देने का काम आपको गुरु करेंगे। गुरु जहां पर देखेंगे वहां पर अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे, जहां पर गुरु बैठेंगे वहां पर भी अच्छे परिणाम मिलेंगे, और शनि जहां पर देखेंगे वहां पर पूरे करने का काम करेंगे। तो इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो 2025 से लेकर के राहु केतु जो है 5 दिसंबर 2026 तक, आप 2027 तक पकड़िए, 2027 जनवरी तक जो है ये प्रभाव राहु केतु का देखने का मिलेगा, और शनि भी आपको 2027 तक कुछ ना कुछ परेशानियां उत्पन्न करने का काम करेंगे। 2027 के बाद यदि हम बात करें तो गुरु जो है 2 जून 2026 को राशि परिवर्तन करेंगे और कर्क राशि में अपनी उच्च राशि में एक्साइटेड होकर के गोचर करेंगे 12वें भाव में। वैसे 12वां भाव जो होता है गुरु का पक्का भाव होता है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में 12वां भाव गुरु का होता है, इसलिए यह पक्का भाव है। और यहां पर गुरु अच्छे परिणाम कुछ क्षेत्रों में देने का काम करते हैं और उच्च के होंगे तो और अच्छे परिणाम आपको मिलने वाले हैं। तो ये समय जो आपका रहेगा, समझ जाइए कि 2 जून 2026 का कर्क राशि में जब गुरु प्रवेश करेंगे और गुरु जो है 26 जून 2027 तक रहेंगे, तो ये खर्चे के भाव में गोचर कर रहे हैं तो खर्चों को रोकने का काम करेंगे,
जो फालतू आपके खर्चे होने वाले थे, जो कि शनि आपका खर्चा करवाने का काम करेंगे, राहु केतु जो खर्चा करवाने का काम करेंगे, गुरु बचाने का काम करेंगे। जो आपका खर्चा होगा वो अच्छे क्षेत्र में होगा, आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खर्चे हो सकते हैं, तो ये एक आपके लिए बेहतर स्थिति है। गुरु जो है आपको यहां पर भी सपोर्ट करने का काम करेगा, क्योंकि ये उच्च राशि में रहेगा, लेकिन विवाह के लिए बाधा उत्पन्न करने का काम करेंगे और कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में भी समस्याएं पैदा करने का काम करेंगे। लेकिन जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, उन लोगों के लिए 2026 से 2027 का जो समय है ये बहुत ही शानदार, एक बेहतर स्थिति रहने वाली है। भूमि भवन प्रॉपर्टी का भी सुख प्राप्त होगा। वही रोग ऋण शत्रु जो कि शनि पैदा करने का काम कर रहे थे, गुरु जो है समाप्त करने का काम करेंगे, दबाने का काम यहां पर करेंगे। और अष्टम भाव में भी गुरु की दृष्टि होने के कारण कहीं ना कहीं गुप्त धन प्राप्त होगा और शनि और राहु के जो खराब स्थितियां थी उसको भी कहीं ना कहीं शांत करने का काम करेंगे। तो राहत जो देने का काम करेंगे वो आपको गुरु देने का काम करेगी। वही राहु केतु 2026 के बारे में यदि बात करें, 2026 नहीं 2027 में पकड़िए, क्योंकि 5 दिसंबर में राशि परिवर्तन होगा। 2027 में राहु जो है आपके छठे भाव में आ जाएंगे और छठे भाव में राहु अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। केतु 12वें भाव में अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं, क्योंकि ये आध्यात्मिक ग्रह है, मोक्ष के कारक है। तो 2026 दिसंबर से लेकर के 24 जून 2028 तक राहु और केतु अच्छे परिणाम देंगे, रोग ऋण और शत्रुओं को समाप्त करेंगे, कंपटीशन में सफलता देंगे, नौकरी में चल रही बाधाओं को दूर करने का काम करेंगे और अचानक धन लाभ देने का काम करेंगे। तो राहु की स्थिति आपके लिए बढ़िया रहने वाली है 2026 से 2028 तक जो है राहु 24 जून 2028 तक आपको अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, ये आपके लिए एक बेहतर स्थिति है। गुरु जो है 24 जुलाई 2028 को जो है यदि देखें तो 2028 तक गुरु जो है 24 जुलाई 2028 तक आपके लगन भाव में आपकी राशि में रहेंगे और आपकी राशि में आ जाएंगे 26 जून 2027 को, तो सबसे अच्छे परिणाम यहाँ पर गुरु देने का काम करेंगे। प्रायः यदि देखा जाए तो गुरु दशम भाव से लेकर के धन भाव तक लगातार अच्छे परिणाम देने का काम करेगा। तो गुरु आपके लिए बढ़िया है और गुरु धन है, गुरु जो है संतान है, गुरु शिक्षा है, गुरु जो है फाइनेंशियल स्थिति है, तो ये सब क्षेत्र आपके मजबूत रहे हैं, रहने वाले हैं, कोई इसमें विशेष दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन शनि राहु केतु कुछ समय तक ये परेशान करेंगे और शनि की आगे की जो स्थिति है वो यदि हम बात करें तो शनि 3 जून 2027 को मेष राशि में आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर नीच के रहेंगे तो फिर भी परेशानियां उत्पन्न करेंगे, लेकिन जो ढैया थी आपके ऊपर वो समाप्त हो जाएगी और शनि की ढैया 3 जून 2027 को पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। शनि भाग्य भाव में तो आ जाएंगे लेकिन मेष राशि में होने के कारण शुभ परिणाम आपको नहीं दे पाएंगे, ये भी ध्यान रखना है। और शुभ परिणाम कब तक नहीं दे पाएंगे, 8 अगस्त 2029 तक शनि आपके कार्यों में रुकावट पैदा करने का काम करेंगे, डिले करने का काम करेंगे, मानसिक टेंशन बढ़ाने का काम करेंगे, खर्चे बढ़ाने का काम करेंगे, स्ट्रगल भी देने का काम करेंगे, संघर्ष करवाते हैं। इसलिए जो है शनि की स्थिति आपके लिए समझ जाइए कि बढ़िया नहीं, कब से नहीं है, 2025 से ही नहीं है, क्योंकि 2025 ये मार्च के महीने में अष्टम भाव में चले जाएंगे और ढैया प्रारंभ हो जाएगी। तो शनि को जो है आपको ध्यान रखना है, शनि की स्थिति बेहतर ना होने के कारण कुछ परेशानियां उत्पन्न जरूर होंगी। राहु केतु कुछ समय तक आपको परेशान करेंगे, लेकिन 5 दिसंबर 2026 से राहु केतु की स्थिति आपके लिए बढ़िया है, ये अच्छा परिणाम देने का काम करेंगे और गुरु आपको 2028 तक बढ़िया परिणाम देने का काम करेंगे। उसके आगे की यदि हम बात करें तो 8 अगस्त 2029 के बाद शनि आपको अच्छे लाभ देने का काम करेंगे, ये आपके लिए बेहतर स्थिति रहने वाली है। लेकिन शनि जो है कुछ जो परेशानियां उत्पन्न करेंगे उनके लिए यदि आप कुछ उपाय करते हैं तो बेहतर लाभ देने का भी काम करेंगे, क्योंकि शनि विपरीत परिवर्तन राजयोग में भी रहेंगे, तो थोड़ा सा भी यदि आपने मजबूत कर लिया या कुछ अच्छे कर्म यदि आपने कर लिया तो शनि आपको सपोर्ट भी करने का काम करेंगे, आपकी जो नकारात्मक स्थिति थी उसको जो है सकारात्मक में भी बदलने का काम करेंगे। तो कर्मों को यहाँ पर बदलने का काम आपको करना है, अच्छे कर्म करना है, जिससे शनि की स्थिति आपके लिए बढ़िया रहे। शनि का आपको उपाय भी करना है, ओम सम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का आपको जप भी करते रहना है। अन्य भी बहुत सारे उपाय हैं वो भी आप कर सकते हैं। राहु केतु की खराब स्थिति जो रहने वाली है
2025 से मई के महीने से लेकर 2026 तक वो स्थिति आपके लिए जो है उतनी बढ़िया नहीं रहेगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये समय के लिए राहु केतु में का भी उपाय करना है, ओम राम राहवेन्मा ओम केम केतवेन्मा इन मंत्रों का जप करना है। गुरु की स्थिति आपके लिए बढ़िया है, और गुरु जो है ग्रहों के जो है गुरु है, सभी के गुरु है, इसी कारण से गुरु बचाने का प्रयास आपको करेंगे, जो नुकसान वाली स्थिति थी उसको जो है बचाने का काम करेंगे। तो सहायता के रूप में गुरु आपके खड़े रहेंगे और आपको हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं ज्ञान देने का काम करेंगे, आपके रास्ता को खोलने का काम करेंगे, तो ये आपके लिए एक बेहतर स्थिति रहने वाली है। सटीक जानकारी के लिए आप कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, और आने वाला समय आपका कैसा रहने वाला है, क्या आपको सटीक उपाय करना चाहिए, कुंडली विश्लेषण करवा करके जान सकते हैं। तो दर्शकों आज बस इतना ही, धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893944।